हज़रत सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 रजब मुरज्जब को मुबारक तारीख है कि जिस दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़रिए किले कुमूस जो खैबर के इलाके में था उसे हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फ़तह किया। आपको मालूम है कि नबी करीम ने जंग खैबर में इरशाद फरमाया था कि इस जंग को मैं 40 दिन में फतह कर लूँगा, लेकिन एक कम 40 दिन हो गए थे और खैबर तस्मस नहीं हुआ था। अमीर कायनात मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अलील थे, इस वजह से मुहाज़े जंग पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं रखते थे। परवरदिगार आलम ने नबी करीम से को हुक्म दिया बज़रिए जिब्राइल अमीन कि आप उसे बुलाइए जो मज़हरुल अजायब है, यानी अमीर कायनात मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुलाइए। तो 23 रजब मुरज्जब को नबी करीम ने इरशाद फरमाया शब में कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे, बढ़ बढ़ के हमले करने वाला होगा और अल्लाह उसे के दोनों हाथों पर कामयाबी और फतेहयाबी इनायत करेगा। जब 24 रजब की नमाज फजर का वक्त आया तो बहुत से मुसलमान इस उम्मीद में थे कि हम ही को भेजा जाएगा, क्योंकि इस मुहाज पर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा नहीं है। लेकिन नबी करीम ने पूरे मजमे को देखने के बाद जनाब सलमान से कहाँ है अली, जाओ अली को बुला के लाओ। हज़रत सलमान मोहम्मदी गए हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए। अभी जनाब सलमान मोहम्मदी पहुँचे थे कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को हुक्म दिया कि जाओ और जाके हज़रत अली को लेके आओ। कुछ ज़ूफ ऐसा था कि एक तरफ से हज़रत सलमान मोहम्मदी ने सहारा दिया और दूसरी तरफ से जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने सहारा दिया और हज़रत अली को रसूल इस्लाम की खिदमत में लाए। नबी करीम ने कहा या अली आपके मिजाज कैसे हैं, तो मौला अली ने इरशाद फरमाया आशोब चश्म है। तो नबी करीम ने अपने जानों पर लिटार कर लुआब दहन लगाया, जिसकी वजह से मौला अली खुद फरमाते हैं कभी मुझे फिर आशोब चश्म की तकलीफ नहीं हुई। अजीज आने गिरामी, अभी तक का रिकॉर्ड ये था कि कभी लश्कर तैयार होता था, कभी सरदार गायब होता था, और हकीकत हाल यही थी कि जो भी सरदार भेजे गए थे वो लश्कर से पहले भाग आया करते थे। लेकिन आज आलम यह है कि अमीर कायनात मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लश्कर तैयार होने से पहले घोड़े पर सवार हो गए और नबी करीम से इजाज़त लेकर मैदान जंग में गए। और जब मैदान जंग में गए हैं तो पत्थर पर अलम को जो है वो नस्ब किया और उसके बाद दो रकत नमाज पढ़ी। खैबर के किले की दीवार पर फसील पर एक नजूमी बैठा हुआ था यहूदियों की तरफ से, उसने जब ये मंजर देखा तो कहा आज का आने वाला दूसरों से अलग है क्योंकि इसके इशारों पर फलक के सितारे चल रहे हैं। अजीजान गिरामी, मौलाए मुत्तकियान अलैहिस्सलाम मैदान जंग में लश्कर से पहले पहुंच गए और पहुंचने के बाद अंतर आया इनके मुकाबले पर, मगर अंतर का मंतर अली पर चल नहीं सका और मौला अली ने अंतर को कत्ल किया। अंतर के कत्ल होने के बाद मरहब की आंखों में अंधेरा छा गया और मरहब निकल के आया। हजरत अली ने मरहब को भी कत्ल किया और उसके बाद किला खैबर को फतह इस तरह से किया कि मौला ने अपने बाएं हाथ की दो उंगलियों से उस आहानी दरवाजे को कि जिसे 40 पहलवान मिल के खोलते थे और 40 पहलवान मिल के बंद करते थे, उसे एक तकान में उखाड़ फेंका और उसके बाद लश्कर इस्लाम के अफराद को उसी दर के ऊपर सवार करके खैबर के अंदर दाखिल किया और माल गनीमत जो है वो लश्कर इस्लाम ने वहाँ से हासिल किया, क्योंकि नबी ने मर्द कह के भेजा था, इसलिए खैबर के मैदान में सबको इकहरा हिस्सा मिला और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दोरा हिस्सा मिला। लेकिन ये दोरा हिस्सा भी मौलाए कायनात घर लेके नहीं आए बल्कि मैदान खैबरी में तमाम गुरबा मसाकीन मफलूकुल हाल अफराद को बेवाओं को यतीम बच्चों में तकसीम कर दिया। अली की सखावत का कसीदा तारीख पढ़ रही है, अली की शुजात की दास्तान तारीखों में मौजूद है। अगर अली ना होते तो खैबर का खिला फतह ना होता, खैबर फतह ना होता तो नबी का 40 दिन का जो फरमान था वो गलत हो जाता। तो अगर मैं ये अर्ज़ करूँ तो गलत नहीं होगा कि नबूवत को बचाया अली ने, इस्लाम के परचम को बुलंद किया मौला अली ने। मौला अली तारीख़ इस्लाम में वो शख्सियत है कि अगर अली ना होते
तो तौहीन इस्लाम होती, इस्लाम का सर ऊंचा ना होता। अली अलैहिस्सलाम की काविशों कोशिशों से हर जगह पर इस्लाम का सर बुलंद हुआ। मैं आप सबकी खिदमत में इस फतेह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।